हाय, दिस इज साहिल अख्तर और आज हमारी फिल्म अटल फैसला का फोटो शूट होने हो रहा है। साहिल जी, क्या फिल्म का जो सब्जेक्ट था, किस तरह का किरदार निभाया? ये एक्चुअली वुमेन ओरिएंटल फिल्म है और इसमें जो अभी काफ़ी राजस्थान में औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के ये फिल्म को बनाया अब्दुल सत्तार साहब ने। फिल्म जो है SS अब्दुल सत्तार की फिल्म है और अभी हम लोग शूट करके कंप्लीट करके फिल्म की एडिटिंग ऑलमोस्ट पोस्ट का काम खत्म हो चुका है। आज फाइनली पोस्टर शूट है हमारी फिल्म का। तो एक आपका किरदार क्या है इस फिल्म में? मैं एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर इस फिल्म में एक दो गांव के जो बीच में जो दुश्मनी जो चली आ रही है, एक सरपंच का लड़का होता है और एक मुखिया का लड़का होता है, उन दोनों के बीच का जो एक मैं हूँ, वो मेरे जो सरपंच है उसके कैरेक्टर में मैं कर रहा हूँ फिल्म में। तो ये बताइए कि शूटिंग कब होगी और कब तक देखेंगे? नहीं, शूटिंग तो ऑलरेडी फिल्म खत्म हो चुकी है फिल्म, और अभी तो जो शूटिंग जो है कंप्लीट हो गई है, फोटो शूट चल रहा है। ठीक है, ये बताइए कि क्या प्रेरणा मिलेगी दर्शकों को इस फिल्म को देख के? नहीं, इस फिल्म को देख करके एक चीज़ तो सीख मिलेगी कि औरतों पे जो जुल्म जो करते हैं मर्द, वो करना बंद कर देंगे। अच्छा। एक लड़की के ऊपर जो कहानी बनाई गई इस फिल्म को लेकर के, तो मतलब एक अलग, और इस फिल्म की सबसे USP ये है कि 7 साल से इसके जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर है, जो दोनों एक ही साथ में कर रहे थे फिल्म, उसकी कहानी जो राइटर है, डायरेक्टर भी वही है और राइटर भी वही है, तो उस फिल्म में मतलब काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और 7 साल इस स्क्रिप्ट पे काम हुई है इस फिल्म को। तो ये बताइए आपके अलावा कौन है फिल्म में, अपोजिट कौन है, एक्ट्रेस कौन है? मेरे साथ शीतल काले, और ऑलरेडी एक फिल्म में हम साथ में कर चुके हैं ब्रेकअप अंजुम रिजवी की, जो बहुत जल्दी आने वाली है। आपके अलावा उसके अलावा और कौन से कास्ट है, जाना पहचाना चेहरा है इस फिल्म? नहीं, साउथ के 2-3 एक्टर है, तो शायद अभी मीडिया को बताना ठीक नहीं है और वो इतने फेमस नहीं है। इसके अलावा कौन से प्रोड्यूस कर रहे हैं सर आप? मैं, मेरी एक फिल्म आ रही है अभी अनफ्रेंड, रजत रवेल की, और दूसरी फिल्म है अंजुम रिजवी की ब्रेकअप, और एक फिल्म और है जो मैं भी करने जा रहा हूँ उसकी शूटिंग, साउथ की फिल्म है।